Very good morning, class 4th. Today we will discuss MCQs questions of chapter number 9. Chapter number 9 है अपना faithful friends. Name of chapter 9, faithful, F-A-I-T-H-F-U-L, faithful friends, F-R-I-E-N-D-S, faithful friends, यानी वफादार मित्र. चैप्टर को हमने रीड किया था बच्चों कल, इसकी जो पोयम थी विलियम शेक्सपियर, जो हमने चैप्टर रीड किया था इसकी पोयम, इसमें हमने देखा कि जो आपका फेथफुल फ्रेंड्स होगा वो आपका क्या देगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम से आप घिरे होंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, परेशान होगा, आपको एडवाइस देगा, आपके लिए रोएगा, आपके लिए अगर आप रो रहे हो तो रोएगा, परेशान हो रहे हो तो परेशान. लेकिन जो आपका चापलूस फ्रेंड होगा वो अगर आपके पास पैसा है तो आपका यूज करके वो वहां से, अगर आपके पास जिस दिन आपकी जेब खाली हो गई वहां से चला जाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ आपके पैसों से मतलब था, आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे किस चीज से मतलब था, पैसों से. इसलिए उसने किसको चुना, पैसों को चुना था, उसने फ्रेंड को नहीं चुना. फ्रेंड को वो चुनता तो क्या करता, वो उसके दुख में दुखी होता, रोता, वो उसको अगर वो जाग रहा है तो वो भी जागता, परेशान होता, उसे समझाता. लेकिन चापलूस फ्रेंड ऐसा नहीं करते, वो क्या करेंगे, आपके पास अगर पैसा है तो वो आपके आगे पीछे भागेंगे, और जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो गया वहां से वो चले जाएंगे. तो इस चैप्टर में हमने ये सब रीड किया था, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यूज. ओपन योर नोटबुक क्लास 4th, राइट डाउन एमसीक्यूज क्वेश्चंस. एमसीक्यूज फर्स्ट इज, हु इज फेथफुल फ्रेंड, Who is faithful friend? Faithful friend. Who is faithful friend? कौन है आपका faithful friend? Option is A, the one who always admires you, B is the one who consoles and helps you when you feel miserable, M-I-S-E-R-A-B-L-E, miserable, and C is the one who ignores you, your wrong actions. The one who ignores your wrong actions. Mean क्या हुआ बच्चों इसका, sentence का? Who is faithful friend? कौन है आपका faithful friend? The one who always admires you. वह जो आपको क्या करेगा, आपकी हमेशा क्या करेगा, वो प्रशंसा करेगा. सेकेंड, द वन हु कंसोल्स एंड हेल्प्स यू व्हेन यू फील मिजरेबल, आप जब दुखी होंगे तो वो आपको क्या देगा, सांत्वना देगा, परेशानी होगी तो उसे भी क्या होगी, वो आपको समझाएगा. थर्ड, द वन हु इग्नोर्स योर रॉन्ग एक्शंस, जो आपके गलत कामों पर नजरअंदाज करेगा, आपको समझाएगा नहीं बल्कि उसको नजरअंदाज कर देगा कि ये कर रहा था इसे करने दो. तो सेकेंड वाला बी वाला अपना राइट आंसर है. सो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट, सेकेंड, अ ट्रू फ्रेंड शेयर्स, अ ट्रू फ्रेंड शेयर्स, जो ट्रू फ्रेंड होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, वो क्या क्या शेयर्स करते हैं, Your joy,
as well as sorrows be is only your joys only your इधर लिख सकते थे योर जॉयज ओनली जे ओ वायस जॉयज ओनली एंड सी एस योर रिचेस ओनली योर रिचेस ओनली सो आपका जो ट्रू फ्रेंड होगा वो आपके साथ क्या शेयर्स करेगा योर जॉयज एज वेल एज सोरोस योर जॉयज ओनली योर रिचेस ओनली तो क्या करेगा वो दुख और खुशी दोनों आपस में क्या करेगा शेयर्स करेगा सो राइट आंसर इज ए नाउ थर्ड हु इज योर फो नॉट अ फ्रेंड Not a friend. A is the one who cries when you cry. B is The one who cannot sleep when you awake. And C is The one who loves when you cry. The one who loves when you cry. Who is your foe, not a friend? वो आपका मित्र नहीं है क्या है दुश्मन है कौन है तुम्हारा दुश्मन और कौन है आपका मित्र वो आपको इसमें से बताना है The one who cries when you cry. आप रोएंगे तो वो भी रोएगा The one who cannot sleeps when you awake. आप सोएंगे तो वो भी आप सोए हो तो वो जागेगा Next is The one who loves when you cry. अगर आप क्या कर रहे हो The one who laughs when you cry. अगर आप क्या कर रहे हो आप अगर आप हंस रहे हो Who is your foe? Not a friend. कौन है तुम्हारा दुश्मन वो तुम्हारा दोस्त नहीं है The one who cries when you cry. जब आप रोओगे तो वो भी क्या होगा रोएगा The one who cannot sleeps when you awake. आप सो नहीं पाएंगे तो वो भी क्या करेगा जागेगा द वन हु लाफ्स व्हेन यू क्राई जब आप हंसोगे तो वो जब आप रो रहे होंगे तो वो क्या करेगा हंसेगा तो ये आपका फ्रेंड नहीं हो सकता सो राइट आंसर इज सी नाउ कंप्लीट योर एमसीक्यूज क्वेश्चंस डू दीज एमसीक्यूज इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक ओके फोर्थ क्लास थैंक यू बाय बाय